देख रहे हैं बी एन वाई न्यूज, एक नई आवाज एक नई पहचान। हम आपको देश और देश की तमाम खबरों से रूबरू करा रहे हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है। जिस कमरे में सोए थे परिवार के लोग, उसी कमरे से चोरों ने अलमारी तोड़ उड़ा ले गए लाखों की जेवरात। आपको बता दें कि देवरिया जनपद में चोरी की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही। ताजा मामला रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम सभा छुटकी छिथई का है, जहां अज्ञात चोरों ने गांव के निवासी मंटू सिंह के घर बीती रात अलमारी का ताला तोड़ लाखों रुपए की जेवरात सहित 3,000 रुपए चुरा लिए। बड़ी बात यह है कि जिस कमरे में परिवार के लोग सोए थे, उसी कमरे से चोरों ने अलमारी को तोड़कर घटना को अंजाम दिया, लेकिन परिवार के सदस्यों को भनक तक नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पिछले 2 महीने के अंदर चोरों ने रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया, लेकिन अभी तक एक भी चोर पकड़े नहीं गए। हालांकि इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन करने में जुट गई है। बीएनवाई न्यूज के लिए रुद्रपुर से मोइन खान की खास रिपोर्ट। क्या घटना घटी है? हमारे यहाँ चोरी हुई है। एक मंगलसूत्र था, 2 चैन था, 1 लक्ष्मी माला था, 2 सोने कड़े थे, 2 अंगूठी था, 4 पायल थे और 1 पाउजेब था, 6 बिछिया थे, 2 बाली था। ये कब घटना घटी है? ये लमसम 1 बज के 2:30 बजे के बीच, 1:30 बजे के बीच में हुई है। कैसे आपको पता चला कि आपके घर में चोरी हुई? जब 3:15 कम था तो हम लोग उठे, मम्मी को वॉशरूम जाना था तो उठी तो देखी सब अलमारी खुला हुआ है, लॉकर खुला हुआ है और पूरा जो कपड़ा वपड़ा है सब बाहर फेंका गया है नीचे। तो उठी तो देखी तो हम भी उठे तो हम लोग पता चला चोरी हुआ है। उसमें हम लोग हल्ला किए बहुत। क्या लग रहा है कौन किया हुआ चोरी? आसपास के लोग किए होंगे कि कोई बाहरी आया हो? हम ये नहीं बता सकते हैं कौन चोरी किया है। पुलिस को सूचना दी गई है? पुलिस को सूचना दी गई है? हाँ, पुलिस को सूचना दी गई है। आए थे, जांच पड़ताल की है। क्या बोल लिखे हैं, लिख गए हैं। क्या बोले हैं लोग? पुलिस क्या बोली है? जैसा आप चाहेंगे वैसा है। किसके घर में चोरी हुई है? मेरे घर। ऐसी तमाम और खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।